अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या आपके प्रोडक्ट्स भी डैमेज, ड्राई एंड लॉस हो चुके हैं, स्पॉइल हो चुके हैं और ऐसे ही आपके वैनिटी पे पड़े, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, वजन रख रहे हैं? ओके जी, लेकिन आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक ड्राई होता है आप दूसरा बाय कर लेते हैं, एक ड्राई होता है आप दूसरा बाय कर लेते हैं और इस तरह आपके पास डैमेज प्रोडक्ट्स भी पड़े रहते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। एक ड्राई होता है आप दूसरा बाय कर लेते हैं, वही चीज़ चल रही है। एक ड्राई है आपके पास, आपने न्यू ले लिया। एक ड्राई है आपके पास, आपने न्यू ले लिया, लेकिन अपने पुराने प्रोडक्ट को, अपने ड्राई प्रोडक्ट को आपने एक्टिवेट करने के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाला। हो सकता है आपने यूट्यूब सर्च भी किया हो लेकिन कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो। इवन आपने कुछ रेमेडीज भी ट्राई की हो बट आपको बेटर सॉल्यूशन और सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स कहीं भी नहीं मिले। सो ये वीडियो फिर आप ही के लिए है और आज आपने मेरी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने ड्राई डैमेज प्रोडक्ट्स को रिपेयर करना है और इन्हें फिर से एक्टिवेट करना है। और हम यहाँ टेस्ट भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे सामने ही, तो देखते हैं कि एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट जिसके लिए सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है एंड यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट इस प्रोडक्ट को अपनी वैनिटी में ज़रूर रखे हुए हैं, इसे यूज़ कर रहे हैं और हमने तो अभी तक टेस्ट ही नहीं किया कि ये प्रोडक्ट वाकई मैजिकल है कि नहीं। सो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के लिए आज इस कंटेंट को लेकर आते हैं और इस बात को वाजे करते हैं कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट आपके डैमेज प्रोडक्ट को ऐसे रिपेयर कर देगा, फिर से एक्टिवेट कर देगा। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दी जाएगी, सभी चीज़ें आपके सामने की जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर देना है। अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में मत डालना भूला करें, क्योंकि मैं अपने व्यूवर को याद रखती हूँ और अपने जो मेरे कांस्टेंट व्यूवर्स हैं वो भी मुझे याद रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ये प्रोडक्ट दिखाने लगी हूँ जो कि है ग्लैमरस फेस का 3X कवरेज जेल लाइनर, जो कि मेरा ड्राई हो चुका है और मेरी कई सारी वीडियोस में आपने मुझे इसके साथ वर्क करते देखा है। इसको आवाज ये बिल्कुल चौकी हो गया है, चौक बन चुका है, ठीक है। अब इसमें वाटर डाल के हम इसको एक्टिवेट कर तो लेते हैं बट इसके अंदर वाटर ज्यादा आता है और पिगमेंट उठता ही नहीं है, इस तरह से जो है वो ड्राई हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें एक्वा केक की, जो क्राइलॉन का इस तरह का जेल लाइनर होता है वो एकदम मक्खन मलाई जैसा क्रीम रहता है। आप इसे वाटर से एक्टिवेट करें, आप इसको किसी फिक्सर से एक्टिवेट करें और ये फिर से जानदार हो जाता है और काम करता है। लेकिन जो कुछ लोकल नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी वैनिटी में आपको अफोर्डेबल रहते हैं, वो अगर ज़्यादा टाइम यूज़ ना करो तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से ड्राई हो जाते हैं, ऐसे चौक बन जाते हैं। इनको आज हम टेस्ट करेंगे कि इन्हें कैसे ठीक करें। इसके अलावा ये तो चले हो गए वाटर एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये तो पानी से भी जैसे तैसे इसको हम पेस्ट बना ही लेंगे, लेकिन इसका पिगमेंट नहीं उठता, वाटर उठता है, सब कुछ दिखाऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टीन का, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल चौक की तरह से बन चुका है और ये एक टाइम से मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो शायद ये आज की वीडियो के लिए ही मेरे पास रखे थे कि आज का एक्सपेरिमेंट हम इन्हीं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर करेंगे और इन्हें एक्टिवेट करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास कुछ ऐसे जेल लाइनर्स हैं। अब ये तो हमारे पास हो गए वाटर एक्टिवेटर्स, ठीक है, मतलब ये वाटर से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जेल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे हम वाटर नहीं डालते, ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये क्रीम बेस्ड होते हैं और ये जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर ये वेस्ट हो जाते हैं, पत्थर के बन जाते हैं और फिर हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। अगर कोई ऑयल्स, कोई सिरम आप डालते हैं तो भी ये लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं रहते और हाथ लगा और मिट जाते हैं। इन्हें हम एक्टिवेट करेंगे आज और अपने सारे जो प्रोडक्ट ज़ाया हो चुके हैं उन्हें हम फिर से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। अब आप ये देख सकते हो मिस रोज का ये जेल लाइनर, जिसे अगर मैं नेल मारूं तो आवाज आ रही है, ये इस कदर जो है वो चौकी हो चुका है। तो इस प्रोडक्ट को भी आज हम एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, जो ऑलरेडी सही प्रोडक्ट है वो आप लोगों के सामने है, ये यूज में आएगा, इसे भी टेस्ट करेंगे और फिर उसको भी चेक करेंगे। कुछ ऐसे आई शेडो पिगमेंट्स हैं जो कि लिखा हुआ है ये वाटर से लिए जाते हैं, वाटर से अप्लाई होते हैं, बहुत पॉपअप करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाटर से बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो इतना मज़े का प्रोडक्ट है लेकिन ये इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, ये पॉपअप ही नहीं कर पा रहा, इसको भी आज हम पॉपअप करवाएंगे। फिर हमारे पास बात आ गई बॉब का मस्कारा,
जो आपको यहाँ नई कंडीशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि पुराना वाला जो है मेरा बिल्कुल ही ड्राई हो चुका। अब इस ड्राई प्रोडक्ट का क्या करूँ मैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसे भी आज ज़िंदा कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ गया आई लाइनर, जो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत, मतलब कि जब लो तो 2 से 4 एप्लीकेशन के बाद अजीब ड्राई प्रोडक्ट हो जाते हैं, मज़े से बिल्कुल अप्लाई नहीं होते और इस तरह से इनके ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ये किसी काम के नहीं रहते, इसे भी आज हम इस्तेमाल करेंगे, इसे भी आज हम एक्टिवेट करेंगे। सो वो मैजिकल प्रोडक्ट जो इन सारी चीज़ों को हमें वापस रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, वो है दिस इज़ द मैजिकल प्रोडक्ट। और ये मैजिकल प्रोडक्ट है आपका इंग्लॉट डरालाइन मेकअप मिक्सिंग लिक्विड बेस पोर। ये वो मेकअप मिक्सिंग लिक्विड है जो कि आपके किसी भी ड्राई प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हमें ये कह भी रहे हैं कि ये आपके किसी भी चौकी, किसी भी ड्राई प्रोडक्ट, किसी भी थिक कंसीलर्स, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो आप फेस पे अप्लाई करते हैं वो ड्राई हो जाए, उसे एक्टिवेट करता है। ओके जी, दूसरी बात, ये सिर्फ ना सिर्फ चीज़ों को एक्टिवेट करता है बल्कि आपकी प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मैट बनाता है, वाटर प्रूफ बना देता है, ये भी ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लाइनर वीडियो पे, जिसमें हमने कलरफुल लाइनर बनाए थे और उसके अंदर हमने इस प्रोडक्ट को ऐड किया था, जिससे हमारा लाइनर वाटर प्रूफ हो गया था, लॉन्ग लास्टिंग हो गया था। उस वीडियो को भी जाकर देखिए कि कैसे है उसको हमने यूज़ किया, वो तो ऑथेंटिक साबित हो गया। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है, ये सारे स्पॉइल प्रोडक्ट्स जितने डैमेज हो चुके, ड्राई हो चुके, इसको भी एक्टिवेट करेगा, तो ये तो थोड़ी सी हैरत की बात है ना। लेट्स ट्राई टू चेक दिस कि ये कितना काम का है। देखने में ये कुछ ऐसी छोटी सी बॉटल है और उस पे इसमें एक इस तरह का लिक्विड भरा हुआ है और पंप दिया हुआ है ऊपर से, जिसे हम प्रेस करके इसके अंदर प्रोडक्ट आ जाता है इसके पंप में और हम इसको किसी भी चीज़ के अंदर शामिल करके इस्तेमाल कर पाते हैं। हम हर चीज़ को आज टेस्ट करेंगे वन बाय वन। तो जी, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो, मुझे लगता है आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्रिस्टीन का ये वाटर एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट, ये मुझे लगता है वाटर से एक्टिवेट हो जाना चाहिए। हमने इस पर ज़्यादा मेहनत की तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लेट्स ट्राई कि हमें किस तरह से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पा रहा है। आपके सामने ही करूँगी, क्योंकि आज जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो मैं सिर्फ आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया, तो जो भी रिजल्ट होंगे आपके सामने होंगे, मैं उससे हैरान हो रही हूँ या परेशान हो रही हूँ, सब कुछ इस वीडियो में ही होने वाला है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। सो अगर कुछ प्री प्लान होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। ओके जी, तो भाई आज ये एक्सपेरिमेंट वीडियो है। प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे एक टिश्यू आपके पास साथ होना चाहिए चीज़ें टेस्ट करने के लिए, एक अदद ब्रश आपके पास होना चाहिए, कोई भी वाटर भी ले सकते हैं, बट मैं जिन चीज़ों को हम ज़्यादातर चीज़ों को मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से यूज़ करते हैं, तो मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम अपने मेकअप फिक्सर को क्रिस्टीन के ही कैप पर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा हमें इसमें वाटर मिल गया है और इसको हम अपने ब्रश को इसमें गीला कर लेते हैं और देन ये मेरे पास आप देख रहे हो क्रिस्टीन का ये प्रोडक्ट है और इसको मैं यहाँ पर एक्टिवेट करूँगी, ठीक है जी। और ये देखें कैसा पाउडर सा निकल रहा है, ये देखें कि पाउडर की तरह निकल रहा है, मतलब अब इसको वाटर में मिलाते हैं कि चलो कुछ अच्छा लिक्विड बन जाए, ठीक है। ये देखें, इसको मैं वाटर के साथ भी एक्टिवेट करके सब कुछ आपके सामने एक्सपेरिमेंट करेंगे। वाटर के साथ इसको ऐसे करके इसके जो दाना दाना बन गया है, क्योंकि देखें प्रोडक्ट पुराना हो गया है ना, एकदम चौकी हो गया, बिल्कुल चौक जैसा बन रहा है और जैसे लेयर उतर रही होती है ऐसा है, एक पेस्ट हमें जो फाइन पेस्ट चाहिए होता है। अब मैं इतने पतले वाटरी से तो अपनी आईब्रो डिफाइन नहीं करूँगी ना, तो इतना ये मज़ा नहीं दे रहा होता जब तक इसका स्ट्रॉन्ग पिगमेंट नहीं आ जाए किस तरह से दाना दाना हो रहा है। और अच्छे से वाटर लेके मैं इसमें ऐसे करती हूँ कि मुझे ठीक से सेटिस्फाई करे, उसको रगड़ के हम निकाल लेते हैं थोड़ा, और जब हम रगड़ के निकाल रहे हैं तब भी हमें ऐसा पाउडर मिल रहा है, ठीक है। इस पाउडर को मैं इसमें वाटर में मिक्स करती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ, तब भी ये एक पाउडर ही है, ठीक है। इस पाउडर को मैं पेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब मैं आईब्रो डिफाइन करूं तो मुझे एक प्रॉपर आईब्रो डिफाइनिंग आ जाए, मतलब मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर लगना चाहिए। लेकिन आप देखो कि जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई कर रही हूं, मेरा प्रोडक्ट उतर रहा है, वाटर अलग हो जा रहा है और जो पिगमेंट है वो अलग होके ऐसे रबड़ की तरह बन रहा है, क्योंकि
टाइम हो गया इस प्रोडक्ट को। अब जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इसको ये अपनी जगह से हट जाता है और कहीं कहीं वाटर आ जाता है और कहीं कहीं पिगमेंट। फिर मैं इसको ब्रश से उतारती हूँ और अप्लाई करती हूँ, देन ये दाना दाना इस तरह। दिस इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसे काम नहीं करना है। रफ डर्टी साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इंग्लॉट डरलाइन को ट्राई करते हैं, क्या ये हमारी हेल्प कर पाएगा। लेट्स ट्राई। जगह साफ की जाए एंड दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। इसको हमने निकालना है, ठीक है। प्रेस किया, प्रेस किया, इसमें से लिक्विड आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा कतरा मैं डालूंगी, एक ड्रॉप, ताकि मैं इसको मामूली सा चेक कर सकूं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा है। आई थिंक 2700 कुछ इसकी कॉस्ट है, बहुत कम यूज़ होता है इस ऑयल से। अब मैं इसको रिपेयर कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन खैर इसको हमने अच्छे से घुमा के और ये फौरन ही एक पेस्ट की शक्ल में आ गया है, ये आपके सामने है। और देखते हैं क्या ये दाना दाना कर रहा है। ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। नो वे, ऐसा नहीं करना मुझे, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। ओके, आई डोंट वांट दिस। सो ये तो यहाँ पे काम का नहीं रहा, इसको हटा दें। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट पे इसका मज़ा नहीं आ रहा। ओके जी, ब्रश को फिर से नीट किया। नेक्स्ट अब हम अपने जेल प्रोडक्ट्स पे इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ बी क्यूट एडवांस का मेरा ये जेल प्रोडक्ट, ठीक है, इसे मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, अभी थोड़े बेहतर हो रहे हैं प्रोडक्ट्स गर्मियों की वजह से। तो ये नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट इसमें नहीं आ रहा, इस तरह आ रहा है ये, इस तरह, ठीक है, आपके सामने है। देखिए क्रीम प्रोडक्ट कैसा होता है, टच करते ही आ जाता है। मैं काम करती हूँ इस कैप में, थोड़ा सा इंग्लॉट का डेरालाइन ले लेती हूँ, ठीक है जी। इस कैप में इसका एक ड्रॉप डालती हूँ, कैप में क्यों, हम पूरा क्यों ना एक्टिवेट करें, ठीक है। इसके अंदर एक ड्रॉप डालती हूँ, मैं आपके सामने डालूंगी। ओके जी, ज़्यादा डाला है हमने। अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, जिस जगह हमें ड्रॉप नज़र आ रहा है उस जगह हम इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरे हाथ कुछ जो है ना बहुत सारे कलरफुल हो रहे हैं, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ों के साथ अभी काम कर रही थी, तो ये मेरा हाल हो रहा है। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये एक्टिवेट हो पाया, क्या मेरा प्रोडक्ट मेरा काम करेगा कि नहीं। ब्रश में तो आ गया है प्रोडक्ट, लेट्स सी कि ये क्या इसी तरह लगेगा या ठीक से लग जाएगा। ओ वाओ, मैजिकल मैजिकल, ये देखें, ये बहुत अच्छे से लग गया, वेरी नाइस। हमारा जेल प्रोडक्ट, इट मींस कि ये क्रीम प्रोडक्ट्स या जेल प्रोडक्ट्स को अच्छे से एक्टिवेट कर रहा है। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा काम नहीं है, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। क्रिस्टीन का तो खैर प्रोडक्ट ही कुछ मुझे बहुत इसकी क्वालिटी नहीं पसंद पर्सनली, एक्वा कलर के साथ काम किया करें। ये हमने एक्टिवेट किया बी क्यूट एडवांस का और आपके सामने ये नहीं आ रहा था, इस तरह का हो रहा था रबड़ जैसा। नाउ इट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ओके, इसको तो हमने कर दिया है, 10/10 हो गए, डन हो गया। हाथ को फिर से साफ कर रही हूँ और ये देखें, ये वाटर प्रूफ और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये साफ नहीं हो रहा इतने आराम से, ये इतने आराम से साफ नहीं हो रहा। ब्रश को जल्दी से क्लीन कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर पाएँ। बहुत अच्छे से ब्रश को क्लीन करना है, सब कुछ सामने कर रही हूँ आपके, और मेरा हाथ को मैं पहले साफ कर लेती हूँ, ये हटा के देखती हूँ। तो भाई ये मॉइस्चराइज़र से भी नहीं हट रहा, ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, वाह। थोड़ी तकलीफ होगी बट हमने साफ करना है, या हम कहीं और पर टेस्ट कर लेंगे, बट मैंने सभी जगह अपना गंदा किया हुआ है। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ अपने मिस रोज़ के जेल लाइनर पर, जो कि मुझे पर्सनली बेहद पसंद आया। इसकी बहुत अच्छा क्रीम टेक्सचर, बहुत अच्छा इसका काम है, बस शेड इसका बहुत डार्क है, तो इसीलिए बी क्यूट का बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है प्रोफेशनली। अब इसको मैं टेस्ट करती हूँ निकल रहा है कि नहीं। इसको हमने ऐसे लिया ब्रश में,
ठीक है, और यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, मतलब इसमें हम थोड़ा बहुत भी कुछ ऐड करेंगे तो ये चल जाएगा, ये अभी हमारा ठीक है, ओके। और कौन सा हमारा प्रोडक्ट था जो चौकी, ये देखें, ये बिल्कुल मेरा पत्थर हो रहा है, ये आपके सामने, ठीक है, ये बिल्कुल चौक हो रहा है, उसको हम टेस्ट करेंगे। ब्रश को मैं क्लीन कर लेती हूँ, ओके। अब इसमें हम इंग्लॉट का ड्यूरालाइन ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा ये केक प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ये ऐसे मैंने एक ड्रॉप डाल दिया है, ठीक है। नाउ ये देखिए इसमें ऑयल नज़र आ रहा है आपको, इसको हम घुमाते हैं, देखते हैं कि क्या ये काम करेगा क्या नहीं, जिस तरह मुझे दिख रहा है, अल्लाह ही खैर करे मुझे, या तो हमें इसको टाइम देना होता होगा, डाल के छोड़ना होता होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या सीन है। लेकिन ये एक्टिवेट हो रहा है, यस 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 यस, इट्स वर्किंग, ओ यस ओ यस, इसने पेस्ट बना दिया है, इसने पेस्ट बना दिया है, यस 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 यस, इट इज़ वर्किंग, वाओ। आपने देखा था कि अभी ये बिल्कुल चौकी हो रहा था और आवाज़ तक आ रही थी, इतना मतलब पत्थर था, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा है, मुझे नहीं पता था कि ये आज की वीडियो के लिए मेरे पास पड़ा है, और अब हम इसको जो है वो ट्राई कर रहे हैं, वाओ, ये तो बिल्कुल सेट हो गया है, ज़बरदस्त। मतलब ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप अपने ड्राई स्पॉइल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने वन ड्रॉप डाला था, वन ड्रॉप के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट रेडी कर चुके निकाल सकते हैं, मतलब दो से तीन ड्रॉप डाल के इसको आप छोड़ दें, कैप करके रख दें, थोड़े से टाइम के अंदर आई थिंक ये ठीक हो जाएगा, और ये चीज़ हम कर भी लेते हैं कि मैं इसके अंदर ड्रॉप्स डाल कर छोड़ देती हूँ और फिर मैं इसको चेक करूँगी बाद में, ठीक है। इसको मैंने इसे भरा है और 1, 2, 3, 4 ड्रॉप्स में डाल देती हूँ, ओके, देखते हैं कुछ टाइम में कि ये इसका क्या कर पाता है। इसको मैंने कैप लगा दिया है और इसे मैं रख दूंगी। सो ये तो हमारा हो गया एक्टिवेट। आई शेडो जिसमें लिखा है, ये सिली 18 का आई शेडो है, शेड 46 है, ब्राइडल शेड है, और ये यूज़ में नहीं आ पा रहा है, इसको करना है कुछ ना कुछ। इस तरह का एक ब्रश उठा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं नॉर्मली चेक करती हूँ बिना किसी वाटर वगैरह के, डायरेक्ट मैंने इसको पिक किया और इसकी एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी है। इस तरह से ये थोड़ा टुकड़े में टुकड़े बन के लग रहा है और ऐसे थोड़ा फैलाने के बाद ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप इसके काम देख रहे हैं। अब इसको वाटर डाल के ऐड करके देखते हैं, सिर्फ फिक्सर से काम करती हूँ, ठीक है। और फिक्सर से अपने ब्रश को मैंने गीला किया एंड देन ये मैं यहाँ पर इसको ले रही हूँ, टेस्ट सा मुझे मिल जाए एंड देन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई जब कर रही हूँ तो ये इस तरह थोड़ा थोड़ा इस तरह अप्लाई हो रहा है कि ये पेस्ट की तरह अप्लाई नहीं हुआ। ये देखिए इसको ब्रश को मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ लाइक दिस, ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहती। और दूसरी जगह से हम इसको टेस्ट करते हैं ऐसे, इस जगह मैंने यहाँ पर भी इसका ऐसे ही पेस्ट बनाया एंड अब मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ। ये देखें अभी ये प्रॉपर पेस्ट की तरह अप्लाई हो रहा है, इस तरह ये होना चाहिए आईब्रो बोन पर या कहीं पर भी। तो ये तो मुझे, मैंने इसको ड्यूरालाइन से पहले ही टेस्ट किया था इस प्रोडक्ट को, तो मुझे उसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ लगी और प्रॉपर ये ब्रो बोन के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा था। ये चीज़ में मुझे ज़रा मज़ा आया देखने के बाद, क्योंकि ये मेरे यूज़ में नहीं आ रहा था आई शेडो, इसी वजह से। मस्कारास हमारे लाइनर हमारे लिए बहुत ही मैटर करते हैं। सबसे पहले तो जो न्यू मस्कारा है वो मैं चेक कर लेती हूँ आपके सामने, ये देखें इसका लिक्विड भी आपके सामने है और ये देखें इसका ये प्रॉपर ये काम करेगा, ठीक है। ये मस्कारा है, ये मेरी हेयर पे काम कर रहा है, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फ्रेश यूज़ कर रही हूँ अभी मैं, ये आप देख सकते हो उसी कंडीशन भी। और ये जो मेरा है पुराना मस्कारा, ये बिल्कुल सूख चुका है, ये कहीं से भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, ये ड्राई हो चुका है। इसको आज हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, इसको एक्टिवेट करते हैं, लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। ड्यूरालाइन को मैंने इसमें लेना है, भरना है प्रॉपर आपके सामने ये, ठीक है। इसमें हम डालते हैं 1 and 2, इसे हमने किया कैप, इसे भी हम थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं,
को मिक्स किया है और इसे हम कैप करके थोड़ी देर रख देते हैं, तब तक हम अपना लाइनर एक्टिवेट करते हैं। लाइनर का तो आपको पता चल रहा है सब कुछ झड़ रहा है, ये देखें सारा मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो इसमें हम जल्दी से ड्यूरालाइन डालते हैं, क्या पता ये भी थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ आपके सामने, ये देखें। और इसे भी मैं कैप करके रख रही हूँ। अपने लाइनर और मस्कारा को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और इस लाइनर और मस्कारा को इसका क्या रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन दोनों चीज़ों को थोड़ी टाइम देना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर हम इसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके अंदर कच्चा दूध, जैसे हमारा पाउडर सोल्यूशन होता है, पाउडर वाला दूध होता है चाय बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो भी अगर हम इसमें लिक्विड बना के डालें वो भी इसे एक्टिवेट करता है। उसको भी डालने के बाद हमें कुछ टाइम छोड़ना होता है, तो इसे हम छोड़ेंगे कुछ टाइम। हमें जैसे ही लगता है कि हाँ ये ठीक हो गए हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे, और जैसे हमें लगता है ठीक नहीं हुए तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये क्रीम प्रोडक्ट से बहुत अच्छा काम करता है, जो थिक हो जाए, हार्ड हो जाए। अब मेरे पास एक ये डर्मा कलर है, अक्सर लोगों को इसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है कि ये एक थिक प्रोडक्ट है, मतलब अगर हम सुप्रा कलर जो है, सुप्रा कलर कंसीलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं, और अगर डर्मा कलर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो अक्सर लोगों को इसको पिक करके एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि जब भी डर्मा कलर के साथ काम करें, विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है, क्योंकि टीवी पेंट स्टिक ही थिक हो जाती है, तो टीवी पेंट स्टिक से तो कहीं ज़्यादा मैट प्रोडक्ट ये डर्मा कलर है। तो अक्सर लोगों को ऐसे क्रीम प्रोडक्ट पिक करने में, फिर उसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो हमेशा अभी जितने भी आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखते हैं, जैसे अगर आप इंटरनेशनल क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर भी आपको ये गाइडेंस दी जाती है, जैसे मुझे भी मिली, मैंने आप तक पहुँचानी है। तो इसी तरह ऐसे प्रोडक्ट को जब हम फिंगर से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज हमें नहीं मिलती, ठीक है, और एक पेस्ट नहीं मिलता, मतलब ये देखें। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये अपनी एक जगह पे स्टक रहेगा, एंड देन अभी जैसे समर्स है, इजीली आपसे फिर भी हो जाएगा, लेकिन एक क्रीम फॉर्म में आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंग्लॉट का ड्यूरालाइन आपने लेना है, एक ड्रॉप बहुत रहता है इसके लिए, बहुत काफ़ी रहता है, और आपने अपने ब्रश से उसको लेकर मिक्स करके एंड जस्ट अप्लाई कर लेना है। ठीक है, आपने अपने कंसीलर ब्रश, अब ये देखें ये कितनी जल्दी से मिक्स हो गया, ये एकदम से प्रॉपर से निकल आया और एक पेस्ट की तरह हाथ में आ गया। ये देखें पूरा एक देख सकते हैं आप, एक पूरा क्रीम फॉर्म के अंदर ये आ गया। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएं और पूरी फाउंडेशन की तरह अप्लाई कर लें। उसे आपने जस्ट पिक किया, आप कंसीलिंग करें, आप हाइलाइटिंग करें, आप किसी भी डार्क स्पॉट को कवर करें। आप ये देखें इसकी कवरेज, ठीक है, ये अब आपको किस तरह से कवरेज दे रहा है, एग्जैक्टली कवरेज दे रहा है। और इससे पहले अगर आप इसको फिंगर से उठाते भी रहते तो इसकी इस तरह कवरेज नहीं आती कि ये प्रॉपर आईब्रो के डार्क डीप कलर को कवर कर ले, समझ रहे हैं। तो ड्यूरालाइन ऐसे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन उसकी बहुत इजी बनाता है। अगर मैं इसको इस तरह इस साइड से उठाकर अगर मैं इसको कवर करना चाहूँ तो शायद मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ना मिले, ठीक है, और अगर मैं इसको इस क्रीम फॉर्म में से लेना चाहूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी एक थिक कवरेज मिल रही है, समझ रहे। सो जो प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थिक लग रहा है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए इंग्लॉट ड्यूरालाइन इज रियली रियली बेस्ट। जैसे कि इस वक्त मेरे पास टीवी पेंट स्टिक का ये आइवरी मौजूद है, और अगर मैं इसको इस तरह ब्रश में लेती हूँ तो आप देख सकते हो ये ब्रश में किस तरह आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, इसका हाफ पार्ट अप्लाई करूँ, तो मैंने इसको इस तरह टीवी पेंट स्टिक से कवर किया, ओके, यू कैन सी। और इसी तरह अगर मैं अपने टीवी पेंट स्टिक को ईजी बनाना चाहूँ, एक लिक्विड फाउंडेशन की तरह बनाना चाहूँ, और इसे मामूली सा प्रोडक्ट, क्योंकि अक्सर मैं इसमें फाउंडेशंस मिक्स करती हूँ टीवी पेंट स्टिक को रनिंग बनाने के लिए, फिर जाके वो फिर थोड़ा एप्लीकेशन स्मूथ करता है। अब मैं अगर ऐसा ये देखें, इंग्लॉट डालते ही ये क्रीम फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल पेस्ट की तरह से इसने कर दिया अपनी टीवी पेंट स्टिक को। और दूसरा, ये टीवी पेंट स्टिक को लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा, जैसे कि ऑलरेडी ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो इसका एक मुझे फाइन सा कवरेज मिल गया, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये इसको भी हम
कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हो डर्मा कलर की कवरेज में कितना फर्क है, डर्मा कलर कितना जबरदस्त कवरेज देता है, कितना जबरदस्त जो है ये कवर करता है, कितना हाईली पिगमेंटेड प्रोडक्ट है। सो यू कैन सी कि किसी भी चीज को आपने स्मूथ बनाना है, इजी करना है, आप अपने लिप ग्लॉस, जो हमारे लैब मैट लिप ग्लॉस होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे ठीक चल रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं चौकी मैंने बड़ा ढूंढा, वरना हम उस पर भी एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन ये आपके लिप ग्लॉसेस को बहुत अच्छा एक्टिवेट करेगा। जैसे ही कोई मेरे हाथ आ जाता है मैट चौकी हुआ, तो मैं उसकी एक वीडियो करूंगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इस तरह की एक क्रीम फाउंडेशन है, जैसे हमारे पास ये एलिज़म ब्यूटी की एक मैट फाउंडेशन है, जो आप देख सकते हो समर्स के अंदर भी मैट है, ठीक है। इसको हमने उठाया ऐसे, और जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ऐसे देखिए ये ऐसे थिक हो रहा है। अब मैं इसको आगे फैलाऊं, वो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद ये मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये डर्मा कलर से भी ज़्यादा थिक हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे प्रोडक्ट को मैंने एक्टिवेट करने के लिए भी ये ड्यूरालाइन बेहतरीन है, जैसे कि हमने इसको बनाया। अब मैं फिंगर से ही इसको कर लेती हूँ, ये देखें ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अब ये देखो ये कैसा हो गया, ये क्रीम बन गया है, ये क्रीम फाउंडेशन बन गई है। और ये सिर्फ क्रीम फाउंडेशन ही नहीं बन गई है, बल्कि अब ये जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है, देख रहे हैं। अब इसकी जो कवरेज है बड़े मज़े से लग जाएगी, और अच्छे से ऑल ओवर द एरिया हम इसको ब्लेंड भी कर लेंगे। इसकी ही कवरेज को मैं इस डार्क एरियाज को इससे कवर कर लूँगी, और कितने मज़े से हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो हाइड भी हो जाएगा। इसकी कवरेज पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात होती है कि आपके प्रोडक्ट की कवरेज नहीं जानी चाहिए, हम चीज़ों को वाटर से एक्टिवेट करते हैं उसकी कवरेज चली जाती है। यू कैन सी कि इससे ज़्यादा इसकी कवरेज आएगी, बड़े अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, यू कैन सी, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा थिक है, इतना ठीक है कि ये आ तो जाता है फिंगर में ही, लेकिन ये इस तरह से टुकड़ों में आता है, इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जब इस तरह से आपको मक्खन की फॉर्म में मिल जाए तो आप आराम से जो है इसको इस तरह फैला सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, इंग्लॉट के ड्यूरालाइन के मामले में थोड़ा आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ होगा कि यस ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये मिक्सिंग के लिए अच्छा है, ये एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। आपको आसानी हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ये सारा एक्सपेरिमेंट आपके सामने किए गए, कौन सा काम कर रहा है, कहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। सो थैंक यू सो मच, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।